कल हमारे पास एक पेशेंट आई जो कह रही थी कि उसने नसबंदी करवा ली है और उसके बाद भी वो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव लेकर आई थी। तो बड़ा शॉकिंग था पेशेंट के लिए भी, हमारे लिए भी, कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि नसबंदी होने के बाद भी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल, आज आपको ये बताने जा रही हूँ कि क्या नसबंदी के बाद भी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। जी हाँ, आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। अब कारण क्या होता है कि नसबंदी होने के बाद भी आप प्रेग्नेंट हो गई हैं? तो इसके कारणों में जो सबसे पहला कारण है कि नसबंदी आपकी ठीक प्रकार से हुई नहीं है, क्योंकि जनरली जो यूट्रस का पास में जो नली होती है जहाँ की रिंग अप्लाई की जाती है या जिस नस को बांधा जाता है, जिसको कि फेलोपियन ट्यूब कहा जाता है, उसके आगे और पीछे भी दो नली प्रकार की संरचनाएं और होती है, स्ट्रक्चर्स होते हैं, राउंड लिगामेंट होता है और ओवेरियन लिगामेंट होता है। तो कई बार दिखने के अभाव में या यदि ट्यूब के आसपास के हिस्से में कोई और आंतें वगैरह चिपकी होती है तो ठीक से दिखता नहीं है और जो रिंग का एप्लीकेशन है वो राउंड लिगामेंट पे या उसके पिछले वाले ओवेरियन लिगामेंट पर लग जाती है और ट्यूब के ऊपर रिंग का अटैचमेंट होता ही नहीं है, जिससे कि ट्यूब ब्लॉक ही नहीं होती और साथ के साथ प्रेगनेंसी हो जाती है। दूसरा कॉमन कारण है कि जो आपने नसबंदी करी, ट्यूब तो आपकी उस टाइम तो बंद हो गई, लेकिन संभव आगे चलकर साल दर साल, चार पाँच साल या आठ साल बाद जाके वो ट्यूब दोबारा से अपने आप से जुड़ गई। ट्यूब के अंदर एक कैपेसिटी होती है कि जो बीच का हिस्सा है वो धीरे धीरे ग्रो करके वापस से पेटेंट हो जाता है, खुल जाता है, जुड़ जाता है और ऐसी स्थिति में आपको दोबारा प्रेगनेंसी हो सकती है। तीसरा कारण हो सकता है कि एक ट्यूब आपकी ठीक से बंद हो गई और हो सकता है कि एक ही ट्यूब की नसबंदी हुई हो और दूसरी ट्यूब की नसबंदी ना हो पाई हो किसी कारणवश, तो एक ट्यूब से भी प्रेगनेंसी आराम से हो जाती है। तो जनरली इन दो तीन कारणों के अलावा और कोई कारण नहीं होता जिससे कि नसबंदी फेल हो जाए या नसबंदी के बाद आप प्रेग्नेंट हो जाए। अब यदि आप नसबंदी के बाद भी प्रेग्नेंट हो गई हैं और यदि आपको समय से पता चल जाता है तो आप एमटीपी किट लेकर भी अपनी सफाई करा सकती हैं, और यदि आपको थोड़ा लेट पता चला है तो आप सर्जिकल अबॉर्शन यानी कि डीएनसी भी करवा सकती हैं, और यदि आप प्रेगनेंसी कैरी ऑन करना चाहती हैं तो डेफिनेटली आप प्रेगनेंसी कैरी ऑन भी कर सकती हैं। नसबंदी के बाद यदि आप प्रेग्नेंट हुई हैं तो उस वाले बच्चे में किसी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, यानी कि आप नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही वो प्रेगनेंसी होती है। यदि आपकी इच्छा है कि आप उसे कैरी ऑन करना चाहती हैं और आपके दिमाग में ये शंका है कि नसबंदी के बाद के बच्चे में किसी और प्रकार की समस्या हो सकती है, तो नहीं होती है, नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है। अब आप कंफर्म कैसे करें कि आपने नसबंदी कराई और उसके बाद में आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी? तो जनरली जैसे हम लोग जो ट्यूब टेस्ट करते हैं तो जो एचएसजी टेस्ट होता है, एक्सरे खिंचवाते हैं, उसी से आपको ये कंफर्म हो पाता है कि आपकी दोनों तरफ की नलियां ब्लॉक है या नहीं है। या दूसरा तरीका होता है कि जो दूरबीन की जांच होती है जो आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट से करवाएं कि जिसमें पेट में दूरबीन डालकर ये देखा जाता है कि दोनों तरफ की नलियां बंद हुई हैं या नहीं हुई। तो जनरली वो एक इनवेसिव प्रोसीजर कराने की बजाय आप एचएसजी करा सकती हैं या सोनोसाल्पिंगोग्राफी करा सकती है, यानी कि यूट्रस के अंदर पानी डालकर फिर सोनोग्राफी में देखा जाता है कि दोनों तरफ की नलियों का ब्लॉकेज खुला है या बंद है। तो इस प्रकार से आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी नसबंदी सही प्रकार से हुई है या नहीं हुई है, और ओवर द टाइम जाकर भी आप बीच में दो तीन साल बाद, चार साल बाद ये टेस्ट करा सकती हैं, जिससे कि आपको ये कंफर्म रहे कि आपकी नसबंदी दोबारा से खुल तो नहीं गई है। तो ये हो सकता है, बहुत अनकॉमन है, 99.5% नसबंदी सक्सेसफुल होती है, केवल 0.5% केसेस होते हैं जहाँ की नसबंदी का फेलियर होता है। इसलिए आप आराम से नसबंदी को एज ए कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यदि प्रेगनेंसी हो जाती है तो डेफिनेटली सारे गायनेकोलॉजिस्ट आपके साथ हैं, जहां भी आप मिलेंगे किसी भी डॉक्टर से वो आपकी हेल्प करेंगी, और आपको प्रेगनेंसी यदि कंटिन्यू नहीं करनी है तो उसको टर्मिनेट करने के काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कि जब भी आप एमटीपी का ऑप्शन चूज करती हैं तो सर्टिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट के पास ही जाइए और सेफ तरीके से अबॉर्शन चूज कीजिए, क्योंकि यदि आप नॉन सर्टिफाइड पर्सन के पास जाकर अबॉर्शन कराती हैं तो हो सकता है कि आपको जैक का खतरा हो जाए। और इसी प्रकार के और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए, और हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।